आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, आचार्य महोदया एवं मेरे भाइयों तथा बहनों और शिक्षकगण और अभिभावकगण, श्रीमती आर एस कालरिया के इस विशाल प्रांगण में जीवन में शिक्षा का महत्व विषय पर आज जो मुझे प्रकाश डालने का अवसर प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं सर्वप्रथम आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि बेहतर शिक्षा इस पृथ्वी पर सभी लोगों को आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्माण करने में मदद करती है। इसीलिए शिक्षा व्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया है, प्राथमिक शिक्षण, माध्यमिक शिक्षण और उच्च शिक्षण। यह तीनों शिक्षा व्यवस्था का अपना अपना महत्व है। प्राथमिक शिक्षण जो छात्रों को आधार प्रदान करती है और उसे जिंदगी भर मदद करती है। माध्यमिक शिक्षा अग्रिम पढ़ाई का रास्ता निर्धारित करती है और उच्च शिक्षा आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती है। शिक्षा के माध्यम से किसी भी मनुष्य ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। किसी भी मनुष्य को शिक्षित होना निसंदेह देश के विकास में उपयोगी कदम है। शिक्षा के माध्यम से मनुष्य धन अर्जित हेतु ज्ञान तो प्राप्त कर ही लेता है, पर एक अच्छा मनुष्य भी बन सकता है। मेरा गुरुजनों का ये मानना है कि ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका मुनाफा यानी डिविडेंट हमें जीवन के अंत तक मिलता है। आपके पास धन या सोना हो तो उसे कम हो जाने का या खो जाने का डर रहता है, पर ज्ञान वो चीज है जो कभी कम भी नहीं हो सकती और खो भी नहीं जा सकती। अरे हाँ, मैं यह बात पर ज्यादा प्रकाश डालना चाहता हूँ कि महिलाओं और बेटियों को शिक्षित करना अति आवश्यक है, जिससे समाज सामाजिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से मजबूत बनेगा। हर एक प्रत्येक छात्र का अपना अपना अलग अलग स्वप्न होता है, जैसे कि IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार और अन्य उच्च पदों पर नौकरी करना। इसीलिए हमारी सरकार ने कई संस्था की स्थापना की हुई है, जैसे कि गुजरात बोर्ड, CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड। इसीलिए मैं सभी वडिलों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करें। इतिहास के बारे में हम ये नहीं जानते कि कितने राजा ने कितनी लड़ाई में कितने विजय प्राप्त किया, पर हम ये जरूर जानते हैं कि शून्य की खोज किसने की, बल्ब का आविष्कार किसने किया और राष्ट्रगान किसने लिखा। इतिहास गवाह है कि राजा अपनी शक्ति और बल पर वहीं तक पूजा जाता है जहां तक उसका साम्राज्य होता है, और वे केवल अपनी प्रजा का प्रिय होता है। पर अपने ज्ञान को फैलाने वाले थॉमस आल्वा एडिशन, आर्यभट्ट और रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ अपनी जन्मभूमि पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। इसीलिए ज्ञान वो कवच है, वो शील है जो आपके जीवन में आने वाली हर कठिनाइयों से आपकी रक्षा करता है। फिर आपको किसी शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ती है। अंत में मैं यही कहूंगा, सा विद्या या विमुक्ति। सच में संपूर्ण जीवन का हमें विद्यार्थी जीवन का और संपूर्ण जीवन का हमें आनंद उठाना चाहिए। यही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।